हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा बेरी पहुंची, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बेरी में सीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जल्द सलाखों के पीछे होंगे और हरियाणा के लोगों से हुड्डा से बचने की बात कही। और जो आज भ्रष्टाचार के उस जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सीबीआई की या कोई कोर्टा की, उसके गेड़े लगा रहा और किस दिन वो सलाखा के अंदर चला जाए मेरा नहीं, इसलिए बचियो, उससे बचियो और बच के एक अच्छे ईमानदार आदमी को जिता करके जो भारतीय जनता पार्टी का कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। बीजेपी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 75 सीट जीतने का दावा कर रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन आशीर्वाद के जरिए हरियाणा के लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। R9 TV के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।